नमस्ते बच्चों, चलो शुरू करें हमारी आज की कंप्यूटर शाला। हाँ मैडम जी, जल्दी बताइए ना कि इंटरनेट से गाने और मूवी कैसे लेते हैं। अरे पिंकी, तुमको पता है कि इंटरनेट क्या होता है? मैडम जी, मुझे मेरे दोस्तों को तो नहीं पता। हाँ हाँ चिंकी, पहले हम यही जानेंगे कि इंटरनेट क्या है। देखो बच्चों, इंटरनेट जो ये शब्द है ना, वह इंटर नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। मकड़ी के जाल जैसा यह नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट असमान कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है। इंटरनेट पर कई सर्विसेज जैसे HTTP, FTP, टेलनेट इत्यादि उपलब्ध है। मैडम जी, यह HTTP, टेलनेट और FTP की क्या फुल फॉर्म है, इनके बारे में हमें कुछ बताइए ना। हाँ बच्चों, HTTP की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके द्वारा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सूचनाएं स्थानांतरित की जाती हैं। इसी तरह से टेलनेट भी एक सर्विस है, जिसमें जब हम एक कंप्यूटर पर काम कर रहे हों तो दूसरे कंप्यूटर पर लॉगिन करके उस पर भी काम कर सकते हैं। इसी तरह से FTP, इसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस सर्विस के द्वारा हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ कुछ समझ आ रहा है ना बच्चों? जी मैडम जी। बच्चों, नेटवर्क्स कंप्यूटर को आपस में संपर्क करने देता है, जिससे कि आप नेटवर्क के अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सूचना और साधन को बांट सकते हैं। मैडम जी, नेटवर्क के क्या क्या लाभ है? चिंकी, यह नेटवर्क कंप्यूटर्स को ही नहीं बल्कि लोगों को भी नजदीक लाता है। अच्छा, वो कैसे मैडम जी? बच्चों, तुम लोग दूर दराज बैठे अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड से बातें यानी कि चैटिंग कर सकते हो, उन्हें ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी भेज सकते हो और बिना वहाँ जाए उन्हें तोहफे, फूल इत्यादि भी भेज सकते हो। मैडम जी, ग्रीटिंग कार्ड भेज सकते हैं क्या? अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया चिंकी, हम कंप्यूटर से उन्हें ग्रीटिंग कार्ड भी भेज सकते हैं। वाओ, तो मैडम जी, चैटिंग, ईमेल और ग्रीटिंग भेजना, यह सब सिखाएंगे ना आप हमें? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें सिखाऊंगी ये सब, लेकिन पहले नेटवर्क के पूरे लाभ तो जान लो। जी मैडम जी। पता है, नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटर सभी उपयोगकर्ता के शेयर्ड रिसोर्सेज काम में ले सकते हैं। मैडम जी, रिसोर्सेज मतलब प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, अन्य डिवाइसेज ही ना? हाँ चिंकी, बिल्कुल सही। तो मैडम जी, इसका मतलब यह हुआ कि चिंकी के यहाँ प्रिंटर है, तो अगर मैं अपने कंप्यूटर में इसे प्रिंट का कमांड दूं तो चिंकी के प्रिंटर से प्रिंट आउट आ जाएगा ना? और क्या, अगर तुम दोनों के कंप्यूटर एक नेटवर्क पर है तो यह भी संभव है। अरे मैडम जी, ऐसे तो कोई भी मेरे प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलवा लेगा। नहीं चिंकी, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। जिसके साथ तुम अपने प्रिंटर को शेयर करोगी और परमिशन राइट दोगी, केवल वो ही ऐसा कर पाएगा। अच्छा, फिर ठीक है मैडम जी। मैडम जी, ये नेटवर्क कितना बड़ा होता है, क्या ये तारों से बनता है? पिंकी, नेटवर्क छोटा या बड़ा हो सकता है। अगर छोटा है तो ये तारों से बन सकता है, और अगर बहुत बड़ा है तो बिना तारों के भी नेटवर्क खड़ा हो सकता है। बच्चों, ये वायरलेस का जमाना है। नेटवर्क का क्षेत्र एक कक्षा में जुड़े कंप्यूटर्स के छोटे समूह से लेकर भूमंडल के पार जुड़े हजारों कंप्यूटर तक हो सकता है। अगर नेटवर्क एक इमारत तक ही सीमित है तो वह कहलाता है लैन, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह से मैन अर्थात मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि अनेक इमारतों के पास कंप्यूटर्स को जोड़ता है। उदाहरण के लिए, एक शहर के एक स्कूल की अनेक शाखाओं के कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए मैन को खड़ा किया जा सकता है। वह नेटवर्क जो शहरों, राज्यों, देशों या महाद्वीपों को जोड़ता है, वह वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है, अर्थात वैन। इंटरनेट भी एक वाइड एरिया नेटवर्क ही है। तो आया समझ बच्चों, नेटवर्क्स का यह क्लासिफिकेशन, लैन, मैन, वैन। हाँ मैडम जी, आ गया समझ। तो चलो चिंकी, बताओ इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। और मैडम जी, इंटरनेट पूरे संसार के लाखों कंप्यूटर्स जो कि एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं उनको जोड़ता है, ताकि विभिन्न स्थानों पर स्थित कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। मैडम जी, इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क के वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। और मैडम जी, कंप्यूटर पूरे संसार के लाखों कंप्यूटर्स जो कि एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं उनको जोड़ता है, ताकि विभिन्न स्थानों पर स्थित कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। बहुत बढ़िया बताया बच्चों। तुम्हें पता है, भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ने अगस्त 1995 से अपनी इंटरनेट सेवाएं देना शुरू किया, और आज कई मिलियन तक पहुंच गई है इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या भारत में। बच्चों, अपने कंप्यूटर को
इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा और ये इंटरनेट कनेक्शन हमें मिलेगा ISP से। ISP अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP वे कंपनीज हैं जो इंटरनेट में एक्सेस प्रदान करती हैं। इंटरनेट कनेक्शन होने पर हम हमारे कंप्यूटर पर वर्ल्ड वाइड वेब पर जो सूचनाएं उपलब्ध हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। मैडम जी, ये वेब क्या होता है? चिंकी, वेब एक पुस्तकालय के समान है जिसमें विभिन्न विषयों पर पिक्चर, टेक्स्ट, साउंड और एनिमेशन के लाखों पेजेस होते हैं। इन पेजेस को वेब पेजेस कहा जाता है। बच्चों, आजकल हर स्कूल, कॉलेज, कंपनीज और बड़ी बड़ी हस्तियों की अपनी खुद की वेबसाइट होती है। यह वेबसाइट कई वेब पेजेस का समूह होती है। हर वेबसाइट में जो यह वेब पेजेस होते हैं ये आपस में लिंक होते हैं। जैसे हम एक पेज पर लिखे किसी टेक्स्ट या पिक्चर को क्लिक करके उससे संबंधित अधिक जानकारी दूसरे वेब पेज पर देख सकते हैं। बच्चों, हमें इन वेबसाइट्स और वेब पेजेस को देखने के लिए ब्राउजर की आवश्यकता होती है। मैडम जी, ब्राउजर क्या होता है? बच्चों, ब्राउजर वह प्रोग्राम है जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सूचनाओं को देखा जा सकता है। अलग अलग कंपनीज के ब्राउजर अलग अलग फीचर्स के साथ उपलब्ध हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम इत्यादि। सूचनाएं वेब पेजेस पे लिखी होती हैं, अर्थात क्या ब्राउजर पर हम वेबसाइट खोल के साइट के पेजेस को ब्राउज कर सकते हैं? हाँ चिंकी, जब हम लोग ब्राउजर खोलेंगे तो उसमें एड्रेस बार आती है, उसमें हम साइट का एड्रेस लिखेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी। यह वेबसाइट कई वेब पेजेस की बनी होती है, तो वेबसाइट खोलकर हम इस वेबसाइट के वेब पेजेस को ब्राउज या एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। मैडम जी, एक प्रश्न है मेरे दिमाग में कि क्या ये वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट एक ही चीज है? नहीं पिंकी, ऐसा नहीं है। इंटरनेट बहुत बड़े नेटवर्क्स का नेटवर्क है जो कि संसार में लाखों कंप्यूटर्स को जोड़ता है। दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड वेब लाखों पेजेस की सूचनाओं से मिलकर बनता है। यह इंटरनेट का एक भाग है। आया समझ पिंकी? जी मैडम जी। इस वर्ल्ड वाइड वेब पर कई फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, जैसे ईमेल, सर्च इंजन, चैटिंग इत्यादि। ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिससे आप दुनिया में कहीं पर भी किसी को भी मैसेज भेज सकते हो। ईमेल करते वक्त आप अपने मैसेज के साथ कोई फाइल अटैच करके, जैसे कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई फोटो अटैच करके उस मैसेज के साथ भेज सकते हो। ईमेल बहुत अधिक लोकप्रिय है क्योंकि इसमें साधारण मेल की तुलना में बहुत कम देर लगती है। बच्चों, आप लोग चैटिंग के द्वारा अपने दोस्तों से इंस्टेंट मैसेज के द्वारा बात कर सकते हो। आप अपने दोस्तों से वीडियो चैट या वॉइस चैट भी कर सकते हो। वीडियो चैट में अपने दोस्तों की तस्वीरें भी देख सकते हो। फिर तो वीडियो चैट से ऐसा लगेगा जैसे दोस्त से आमने सामने ही बात हो रही है। हाँ पिंकी, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मैडम जी, ये सर्च इंजन क्या होता है? बच्चों, सर्च इंजन वे यूटिलिटीज हैं जिनके द्वारा हम वेब पर इंफॉर्मेशन को खोज सकते हैं। सर्च इंजन में कोई वर्ड या फ्रेज डालने पर सर्च इंजन इस कीवर्ड से खोज शुरू करता है और उन वेबसाइट्स के लिंक्स प्रदर्शित करता है जिनमें यह कीवर्ड्स लिखे होते हैं। फिर हम उन लिंक्स पर क्लिक करके उन वेबसाइट्स पर जा सकते हैं और इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। बच्चों, गूगल, MSN, याहू, अल्टा विस्टा, ये सब सर्च इंजन्स हैं। और मैडम जी, ये डाउनलोडिंग क्या होती है? जैसे कि आप कह रहे थे कि गाने डाउनलोड किए जा सकते हैं इंटरनेट से। बच्चों, इंटरनेट पर किसी फाइल को रिमोट कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पर कॉपी करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। कोई ऐसी वेबसाइट जिस पर गाने, पिक्चर्स यह सब उपलब्ध हैं, उस वेबसाइट पर जा हम अपने पसंद के गाने को चुनकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से वह गाने की फाइल हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगी। अच्छा मैडम जी, मतलब वेबसाइट पर टेक्स्ट और पिक्चर्स के साथ साथ गाने और मूवीज भी उपलब्ध हैं? हाँ चिंकी। मैडम जी, हमें भी कोई वेबसाइट खोल कर दिखाइए ना। हाँ पिंकी, खोल कर दिखाती हूँ। देखो बच्चों, हर वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है जिससे उस वेबसाइट पर पहुँचा जा सकता है। वेबसाइट के एड्रेस को URL अर्थात यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम ब्राउजर को खोलकर उसमें एक वेबसाइट को ब्राउज करके देखते हैं। देखो, यहाँ पर जो यह एक्सप्लोरर का ब्राउजर है, इस पर क्लिक करेंगे तो ब्राउजर की यह विंडो खुल गई। इसमें भी देखो, टाइटल बार, टूल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, यह सब आ रहे हैं। बच्चों,
यह एड्रेस बार है। इस एड्रेस बार में हमें वेबसाइट का यूआरएल देना होता है, तो हम वेबसाइट का यूआरएल देंगे और फिर एंटर कुंजी दबाएंगे, या फिर देखो इस एड्रेस बार के आगे गो बटन है, इस बटन पर क्लिक करने से यह वेबसाइट सर्च होएगी और फिर यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। चलो बच्चों, मैं तुम्हें कॉलेज की एक वेबसाइट खोलकर दिखाती हूँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा HTTP, जो कि मैंने तुम्हें बताया था HTTP एक सर्विस है। उसके बाद हम कोलोन लगाते हैं और डबल स्लैश लगाते हैं। उसके बाद लिखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, उसके लिए हमें लिखना है केवल www डॉट लगाएंगे, कॉलेज का नाम लिखा .org। हमने वेबसाइट का एड्रेस यानी कि URL दे दिया है। अब एंटर कुंजी दबाने पर यह उस साइट को सर्च करके यहाँ प्रदर्शित करेगा, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो बच्चों, हमने एड्रेस बार में जिस वेबसाइट का URL लिखा वह वेबसाइट यहाँ पर खुल गई। किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं बच्चों? मैडम जी, होम पेज। बिल्कुल सही। तो यह इस वेबसाइट का होम पेज है और इस वेबसाइट पर विभिन्न टेक्स्ट और पिक्चर दिखाई दे रही है ना तुम्हें। अब यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट पर जाओगे तो देखो तुम पाओगे कि यहाँ पर जो माउस पॉइंटर का चिन्ह था वह हैंड पॉइंटर में तब्दील हो गया। इसका अर्थ यह है कि जब हम इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम इस वेबसाइट के दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वेबसाइट पर देखो अलग अलग जगह लिंक्स आ रहे हैं। देखो हम इस टेक्स्ट पर गए तो इस पर भी एक लिंक बना हुआ है। ऐसे ही देखो इस पिक्चर पर भी एक लिंक प्रदर्शित हो रहा है। जब तुम माउस पॉइंटर को इस पर लेकर गए तो यहाँ पर स्टेटस बार में तुम्हें एक एड्रेस दिखाई देगा जो कि यह बताएगा कि इस लिंक पर क्लिक करने से हम किस वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। तो बच्चों, इस तरह से ये होम पेज विभिन्न लिंक्स का बना होता है। इन लिंक्स पर क्लिक करके उससे संबंधित वेब पेज पर पहुंचा जा सकता है। बच्चों, यह लिंक वही हाइपरलिंक है जो मैंने तुम्हें वर्ड प्रोसेसर में पढ़ाया था कि कैसे एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक करते हैं। एक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने से हम दूसरे डॉक्यूमेंट पर पहुंच जाते हैं। आया ध्यान बच्चों? हाइपरलिंक पढ़ाया था ना मैंने तुम्हें? जी मैडम जी। चलो बच्चों, हम इस वेबसाइट में किसी लिंक को खोलकर देखते हैं। हमने इस लिंक पर क्लिक किया तो इसका यह वेब पेज खुल गया। देखो बच्चों, इस ब्राउजर में जो यह टूल बार है इस पर यह बैक का बटन है। इस बैक बटन पर क्लिक करोगे तो बैक पेज पर यानी इससे पहले जो वेब पेज खुला था वह खुल जाएगा। बैक करने पर हम पेज को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं इस तरह से। बैक और फॉरवर्ड बटन के अलावा यहाँ पर स्टॉप बटन भी है जिस पर क्लिक करके हम वेबसाइट की जो प्रोसेसिंग हो रही है उसे रोक सकते हैं। इसी तरह से यहाँ रिफ्रेश का बटन है। किसी वेब पेज को हमें दोबारा से देखना हो रिफ्रेश करके तो उसके लिए रिफ्रेश, इसकी शॉर्टकट कुंजी है F5। इसी तरह से यहाँ होम पेज पर जाने के लिए होम का बटन है और यहाँ पर फेवरेट्स का भी बटन है। फेवरेट्स में आप अपनी किसी भी वेबसाइट को जोड़ सकते हो। इससे उस वेबसाइट का यूआरएल ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सीधे ब्राउजर खोलकर फेवरेट में से उस वेबसाइट को चुन सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर यह हिस्ट्री का भी बटन आ रहा है। इस पर क्लिक करने से तुम पिछले समय तुमने जो वेबसाइट्स खोलकर देखी थी उनको देख सकते हो। चलो बच्चों, अब मैं तुम्हें सर्च इंजन के माध्यम से कोई भी टॉपिक सर्च करना सिखाती हूँ। देखो, हम इस एड्रेस बार में सर्च इंजन का यूआरएल लिखेंगे। यूआरएल लिखने के बाद हम एंटर कुंजी देते हैं। देखो, यह सर्च इंजन की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पर इस सर्च इंजन में यह जो टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है यहाँ पर हमें लिखना होगा वह टॉपिक जो कि हमें सर्च करना है। जैसे मान लो कि हमें फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड मैटर खोजना है तो हमने इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा फोटोसिंथेसिस। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे जो यह बटन है सर्च का, इस सर्च बटन पर हम क्लिक करेंगे। देखो, सर्च बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर कई वेबसाइट्स के लिंक आ जाएंगे। देखो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास कई वेबसाइट्स के लिंक आ गए। अब हम जिस भी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे वह वेबसाइट खुल जाएगी और फिर हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स पढ़ सकेंगे। तो बच्चों देखो, कितने सारे लिंक्स आ रहे हैं यानी कितने सारे डिटेल्स हम पढ़ सकते हैं इस एक अकेले टॉपिक के बारे में।
हमने पहला लिंक खोला। अगर हमें यह उचित ना लगे तो हम बैक बटन पर क्लिक करके वापस से उस पेज पर जा सकते हैं जहां पर अलग अलग वेबसाइट्स के लिंक्स आ रहे हैं। अब चलो दूसरी किसी वेबसाइट के लिंक को खोलकर देखते हैं। इस तरह से बच्चों हम अलग अलग वेबसाइट्स को खोलकर उनके मैटर को पढ़ सकते हैं। सर्चिंग करना है ना आसान बच्चों? हाँ मैडम जी। टिंकी कितना अच्छा तरीका है ना ये, किसी भी टॉपिक को सर्च करके उससे संबंधित साइट पर पहुंचा जा सकता है। हाँ बच्चों, किसी भी टॉपिक को अगर वो तुम्हें पुस्तक में ना मिल रहा हो या फिर उसके बारे में पुस्तक में कम लिखा हो या पुस्तक में से समझ नहीं आ रहा हो तो सर्च इंजन के माध्यम से तुम उस टॉपिक को सर्च कर सकते हो और समझ सकते हो। यहाँ पर देखो कितनी वेबसाइट्स के लिंक आ रहे हैं, तो तरह तरह की वेबसाइट्स पर जाकर तरह तरह से अपने टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। यह इंटरनेट तो पढ़ाई के भी काम आ सकता है इस तरह से, तो हमें तो लगाता है यह केवल मनोरंजन का साधन ही होगा। हाँ बच्चों, चलो बच्चों तो और कोई टॉपिक सर्च करवाना है तुम्हें इस सर्च इंजन में? मैडम जी, क्या इसमें इंटरनेट के बारे में ही सर्च करके और ज्यादा पढ़ा जा सकता है? हाँ पिंकी, क्यों नहीं, आज ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध ना हो। देखो हमने यहाँ सर्च इंजन के टेक्स्ट बॉक्स पर लिखा इंटरनेट। देखो इंटरनेट लिखकर हमने सर्च बटन पर क्लिक किया तो देखो यहाँ कितनी वेबसाइट्स आ गई जिन पर हमें इंटरनेट से संबंधित पाठ्य सामग्री मिल जाएगी। बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो एजुकेशन के हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई गई हैं। इसी तरह की एक साइट है विकिपीडिया, जो कि स्टूडेंट्स के लिए ही बनी है। इस पर किसी भी तरह के टॉपिक को सर्च करके आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो इस तरह से हर कोई कहीं से भी कुछ भी एक्सेस कर सकता है ना, सब कुछ सोच से परे? हाँ सच मैडम जी, यह सब तो जादू सा लगता है। हाँ और क्या, पलक झपकते ही हजार इन्फॉर्मेशन आ गई एक टॉपिक पर। मैडम जी आपने कहा था इंटरनेट पे ई बुक्स भी होती हैं, हमें दिखाइए ना। हाँ बच्चों, चलो सर्च करके देखते हैं। देखो यह बुक्स आ गई, इन बुक्स को यहाँ से क्लिक करके पढ़ा जा सकता है या फिर डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है ताकि इन्हें खोलकर कभी भी पढ़ा जा सके। बच्चों जब इन बुक्स को तुम सेव करोगे तो ये बुक्स .pdf फॉर्मेट में सेव होंगी। इन बुक्स में कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं होंगे, केवल इनमें से हम टेक्स्ट को पढ़ पाएंगे। चलो बच्चों अब काफी समय हो गया है, अब तुम घर जाओ और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करो। लेकिन मैडम जी वो गाने डाउनलोड करना और ईमेल करना और मैडम जी ग्रीटिंग कार्ड भेजना। हाँ मैडम जी, यह सब तो सीखा ही नहीं। तो चलो ऐसा करो कि कल और आ जाना तुम लोग, फिर मैं यह सब चीजें भी तुम्हें सिखा दूंगी। इससे तुम्हारा पढ़ाई पर से मूड भी फ्रेश हो जाएगा और तुम्हें ईमेल करना भी आ जाएगा। ठीक है मैडम जी। तो चलो मिलते हैं कल की कंप्यूटर शाला में। ओके मैडम जी। तो दोस्तों आया ना मजा इंटरनेट के बारे में जानकर? हाँ पिंकी, सच इंटरनेट जैसे कुबेर का खजाना है, अपार भंडार है। दोस्तों कितना कुछ ना सीखने और पढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों अब इस खजाने की चाबी आपके और हमारे हाथ लग गई है। आप भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। तो हाँ दोस्तों, तो चलिए अब मिलेंगे अगली कंप्यूटर शाला में। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार।